भारतीय टीम साउथ अफ्रीका तो रवाना हो चुकी थी, पर अभी भी सबसे बड़ा सवाल था भारत के वर्ल्ड कप जीत का, क्योंकि भारत ने वर्ल्ड कप से पहले मात्र एक T20 मैच खेला था। भारत इस टूर्नामेंट की सबसे कमज़ोर टीम नज़र आ रही थी। आखिर कैसे भारत ने वर्ल्ड कप में अपने नाम किया और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीमों को हराया? आपके इन सभी सवालों के जवाब देंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, आपका स्वागत है एके फैक्ट क्रिकेट की एक और इन्फॉर्मेटिव और क्रिकेट से जुड़ी वीडियो में। इस वर्ल्ड कप से पहले भारत को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली जैसे बड़े सीनियर खिलाड़ियों ने इस बड़े टूर्नामेंट को खेलने से मना कर दिया। उस समय भारत के पास इतने बेहतरीन प्लेयर और इन खिलाड़ियों से ज़्यादा सीनियर प्लेयर नहीं थे। अब सबसे बड़ा चैलेंज था एक नई टीम तैयार करने का। कैसे BCCI ने एक युवा टीम तैयार की, कैसे एक युवा कप्तान बनाया, ये हम अपनी पिछली वीडियो में बता चुके हैं। वीडियो का लिंक आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सचिन तेंदुलकर के कहने पर धोनी को भारतीय टीम का कप्तान बना दिया जाता है। टीम जितनी नई थी और कप्तान भी नया था, उस सबको देखकर कुछ लोगों को भारतीय टीम और भारत के नए कप्तान पर भरोसा नहीं था, क्योंकि जो काम सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सौरभ गांगुली नहीं कर पाए, वो काम महेंद्र सिंह धोनी और एक युवा टीम कैसे करेगी। इस सब के बाद भारत अपना पहला मैच खेलने के लिए तैयार था। भारत का पहला मैच स्कॉटलैंड से होना था, परंतु बारिश के कारण वो मैच नहीं हो पाया। दोनों टीमों को एक एक अंक दे दिया जाता है। भारत का दूसरा मैच अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान से था। पाकिस्तान के सामने मौका था पिछली हार का बदला इस युवा भारत से लेने का, लेकिन वो कहते हैं ना, शेर का बच्चा छोटा हो या बड़ा, उसमें बहादुरी शेर वाली होती है। साउथ अफ्रीकी अगुवाई वाली पाकिस्तान की टीम में यूनुस खान, कामरान अकमल, शोएब मलिक, मिसबा उल हक जैसे गजों के सामने था महेंद्र सिंह धोनी का यंग भारत। 14 सितंबर 2007, डरबन का वो मैदान जहां टीम इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने थी। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। उमर की रफ्तार, आसिफ की स्विंग, अफरीदी की स्पिन के आगे टीम इंडिया के युवा बल्लेबाजों की एक अग्नि परीक्षा थी। सवाल अभी भी वही था, पाकिस्तान की खूंखार गेंदबाजी के सामने युवा भारतीय टीम टिक पाएगी या नहीं। टीम इंडिया की ओर से पारी की शुरुआत करने वीरेंद्र सहवाग के साथ गौतम गंभीर आते हैं। पाकिस्तान की ओर से पहला ओवर स्विंग किंग मोहम्मद आसिफ करते हैं। आसिफ की स्विंग के आगे गौतम अपना खाता भी नहीं खोल पाते हैं। दूसरे ओवर में 9 रन आने के बाद तीसरे ओवर की पहली गेंद पर आसिफ सहवाग को अपना शिकार बना लेते हैं। पावर प्ले खत्म नहीं हुआ था, इंडिया अपने 4 विकेट खो चुका था। 7 ओवर 36 रन और 4 विकेट, यहां से शुरू होता है एक युवा कप्तान और एक युवा रोबिन का सूझबूझ वाला खेल। दोनों भारत को अपनी सूझबूझ से 10 ओवरों में 64 रन तक ले जाते हैं। अब 10 ओवर का खेल बाकी था। रोबिन 48 गेंदों पर 50 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इसके बाद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और इरफान पठान, 15 गेंदों पर 20 रन की पारी खेलते हैं। 20 ओवर के बाद टीम इंडिया का स्कोर 141 चुका था। अब मौका था इस स्कोर को बचाने का। पारी की शुरुआत होती है और पाकिस्तान पावर प्ले खत्म होने तक 6 ओवरों में 39 रन और 1 विकेट खो चुका था। 9 ओवर के बाद पाकिस्तान 47 पर 4 विकेट गंवा देता है। टीम इंडिया इस मैच में अपनी पकड़ बना चुकी थी। धीरे धीरे मैच आगे बढ़ता है और अब वो समय आ गया था जब मैच के निर्णय के लिए मात्र 18 गेंदें बची थी। इन 18 गेंदों पर पाकिस्तान 42 रनों की ज़रूरत थी। 18वां ओवर लेके आते हैं हरभजन सिंह। हरभजन इस ओवर में 13 रन दे जाते हैं। इसके बाद 19वें ओवर में मिसबा अजीत को 17 रन कूट देते हैं। अब भारत और जीत के बीच मिसबा उलग खड़े थे। आखिर ओवर में पाकिस्तान को यह मैच जीतने के लिए 6 गेंदों पर 12 रन की जरूरत थी। मैच अब उस मोड़ पर आ चुका था जहां मिसबा के 2 बड़े शॉट पाकिस्तान को मैच जिता देते और मिसबा का 1 विकेट भारत को मैच जिता देता। आखिर ओवर की शुरुआत होती है और मिसबा उलग शुरू की 5 बॉलों पर 11 रन बना लेते हैं। आखिरी बॉल पर 1 रन की ज़रूरत होती है। अब सब मान चुके थे भारत ये मैच हार चुका है, लेकिन आखिर बॉल और मिसबा का ये रन आउट अब ये मैच टाई हो जाता है। अब मैच का डिसीजन बॉल आउट के थ्रो होना था। भारतीय गेंदबाजों ने एक एक करके स्टंप की गिल्लियां को बिखेर दिया। माही की चलाकी कोई नहीं समझ पाया, क्योंकि माही ने बॉल आउट के लिए गेंदबाजों का चयन नहीं किया और ना ही ऑलराउंडर का चयन किया। भारत ये मैच 3-0 से जीत जाता है। अब यंग भारत तैयार था दुनिया के सामने अपनी दहाड़ दिखाने के लिए, उन सभी की बोलती बंद करने के लिए जो भारत को सबसे कमज़ोर टीम मान रहे थे। दुनिया जान चुकी थी ये नया भारत है, ये हार नहीं मानने वाला। एक एक क्रिकेट फैक्ट का ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमें इंतजार रहेगा आपके प्यारे कमेंट का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 3 में।